दोस्तों आईपीएल 2020 के ऑक्शन में टीम दिल्ली कैपिटल्स ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है और इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऑन पेपर काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो दोस्तों ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि टीम दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 आईपीएल 2020 में क्या रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को देखते रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हो कि दिल्ली की टीम बने आईपीएल 2020 में चैंपियन, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल 2020 में क्रिस वोक्स, सिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस जैसे दिग्गज प्लेयर को अपने टीम में शामिल कर लिया है और साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे भी अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम बिना कोई देर किए हुए दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 के बारे में बता देते हैं। तो फ्रेंड्स इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर आते हैं वो है पृथ्वी शॉ, जो कि ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं और इनका साथ देने के लिए आएंगे इंडियन टीम के ओपनर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, दोनों आपको ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। और नंबर 3 पर आते हैं इस टीम के कैप्टन श्रेयस अय्यर, जो कि इस टीम की कप्तानी करने वाले हैं। और गाइस जब हम बता देते हैं नंबर 4 प्लेयर के बारे में, तो चौथे नंबर पर आते हैं इस टीम के सबसे विस्फोटक बैट्समैन ऋषभ पंत, जो कि विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस इस नंबर पर 5वें नंबर पे आते हैं सिमरन हेटमायर, जो कि इस टीम को मिडिल ऑर्डर में काफी मजबूती प्रदान करने वाले हैं। और 6वें नंबर पर आता है ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस, जिनको की दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल के ऑक्शन में अपने टीम में शामिल कर लिया था। और 7वें नंबर पर आते हैं ऑलराउंडर क्रिस वोक्स, जो कि इस टीम के मुख्य तेज गेंदबाज की भूमिका में भी नजर आने वाले हैं। और 8वें नंबर पर इस टीम में आते हैं ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट हैंडेड के अच्छे स्पिन बॉलर हैं। और गाइस इस लिस्ट में जो 9वें नंबर के प्लेयर हैं वो हैं रविचंद्रन अश्विन, जो कि इस टीम के मुख्य स्पिनर रहने वाले हैं। और गाइस बात कर लेते हैं 10वें नंबर की, तो 10वें नंबर पर दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज कैगिसो रबाडा आते हैं। और गाइस इस लिस्ट में जो सबसे आखिरी नंबर पर आते हैं वो हैं इंडियन टीम के फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा। तो दोस्तों ये थी टीम दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 आईपीएल 2020 के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इनकी प्लेइंग 11 आईपीएल 2020 में क्या रहनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।